अब ये चुनावी लड़ाई सिर्फ कर्नाटक के बेंगलुरु तक से सीमित नहीं है, जबकि वहां से उठकर ये दिल्ली तक पहुंच गई और दिल्ली में भी उच्चतम न्यायालय की चौखट पर पहुंची, जहां पर सुनवाई हुई तो स्पीकर को कहा गया कि आप विधायकों को सुनेंगे, उनके इस्तीफे को देखेंगे, लेकिन स्पीकर साहब ने कहा कि हमारे दायरे में जो आता है हम वही करेंगे। तो आज इसी को लेकर स्पीकर को, जो कर्नाटक के विधानसभा स्पीकर है, उन्हें मुख्य न्यायाधीश ने फटकार लगाई। क्या कुछ मुख्य न्यायाधीश ने कहा इस रिपोर्ट में देखिए। तेरह महीने पहले बड़े अरमानों से बनी गठबंधन की सरकार पर लगातार सियासत के संकट मंडरा रहे हैं। कुमारस्वामी की सीएम वाली कुर्सी लगातार हिल रही है और उधर बीजेपी है जो गिद्ध की तरह कर्नाटक की सत्ता पर नजर गड़ाए बैठी हुई है। ये पूरा मामला अब केवल कर्नाटक के बेंगलुरु तक नहीं रहा बल्कि देश की राजधानी दिल्ली तक पहुँच गया है और ये दिल्ली में भी देश की सर्वोच्च अदालत की चौखट पर आ पहुँचा है, जहां मामले को लेकर गुरुवार को भी सुनवाई की गई थी, जिसमें विधायकों और स्पीकर दोनों को निर्देश दिए गए थे। कोर्ट ने मामले में गुरुवार को सुनवाई की थी, जिसमें कोर्ट ने स्पीकर के आर रमेश को निर्देश दिए थे कि वो विधायकों के त्याग पत्र पर फैसला लें। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों को गुरुवार शाम 6 बजे तक स्पीकर के सामने पेश होने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक गुरुवार शाम को बागी विधायक स्पीकर के सामने पेश हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कुछ घंटे के बाद ही स्पीकर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपील दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से उस फैसले पर पुनर्विचार के लिए कहा, जिसमें स्पीकर को जल्द से विधायकों के त्याग पत्र पर फैसला लेने के लिए कहा गया था। इस मामले पर शुक्रवार को जब कोर्ट ने सुनवाई की तो कड़ा रुख कोर्ट की तरफ से अख्तियार किया गया। याचिका पर सुनवाई शुरू हुई तो मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने स्पीकर को फटकारा और पूछा कि क्या वो न्यायालय की पावर को चुनौती दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी के बाद विधानसभा अध्यक्ष के वकील ने कहा, मैं विधायकों की अयोग्यता की याचिका पर फैसला करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हूं। कांग्रेस लगातार राजनीतिक संकट से घिरती जा रही है। गोवा में भी कांग्रेस के 10 विधायकों ने पंजे को छोड़कर कमल का फूल अपना लिया है और कर्नाटक में भी कमोबेश स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़, दिल्ली।